आइए बात करते हैं तीसरी सी सदी हलीम अंसारी जी से, जो लगातार गरीबों और मजलूमों की सेवा कर रहे हैं। कब से चल रहा है आपकी सांझी रसोई? सांझी रसोई भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल के दिन इसका शुभारंभ हुआ है। आज सांझी रसोई का 7वां दिन है। सांझी रसोई में दोनों टाइम भोजन बनाकर जरूरतमंदों को वितरित किया जाता है। कब तक चलेगा ये महोदय? लॉकडाउन में सांझी रसोई की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वर्तमान भारत सरकार आदरणीय राहुल जी की बातों को नहीं समझा, उन्होंने जब जनवरी में आगाह किया कोविड-19 के बारे में, इस भारत सरकार ने उनको कहा झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने फरवरी में आगाह किया तो भारत सरकार ने उन पर, यही मोदी जी ने आरोप लगाया, ये भ्रम, राहुल जी भ्रम पैदा करते हैं। धन्य हो राहुल गांधी जी कि आपकी सही बात, कितनी सही बात है, आपने जब मार्च में भी आगाह किया तो मोदी जी ने कहा राहुल गांधी जी देशवासियों में भय पैदा करते हैं। सम्मानित साथियों, पूरा देश को गुमराह कर रही ये वर्तमान भाजपा सरकार, जब महसूस किया उस समय कोविड-19 का कहर अपनी चरम सीमा पर हो चुका था। जब लॉकडाउन हुआ तो रोज कमाने खाने वाले गरीबों के बीच भूख की समस्या खड़ी हो गई, जिसको हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने महसूस किया और यथासंभव उन्होंने उसके लिए आवश्यक कदम उठाया। माननीय प्रियंका गांधी जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के और बाजीराव खांडे जी, सुशील पासी जी के सुझाव से सांझी रसोई का उद्घाटन यहाँ 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन शुरू किया गया और लगातार यहाँ पर खाना बना करके जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा भूखों को भूख से मरने न देने का प्रयास ये जारी रहे। रामकृष्ण सिंह पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी प्रयाग। सर, ये साझा रसोई पूरे प्रदेश में चल रहा है? हाँ, पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यहाँ पर सब संचालन किया जा रहा है। और इलाहाबाद में गंगा पार्क की इकाई द्वारा, शहर की इकाई द्वारा हजारों लोगों को डेली जो है खाना खिलाया जा रहा है। और ऐसे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है जो मेहनत कश लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जिनके पास लॉकडाउन के दौरान उनका कमाने का साधन समाप्त हो गया, घर में जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई, तो उनको दोनों वक्त का खाना पूरे भारत में हुआ है। देखते हुए माननीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेसियों को आह्वान किया और पहले तो खाद्य सामग्री का वितरण आप लोग अपने अपने से कर रहे थे, जो हो सकता था हम लोग किया। उसके बाद साझी रसोईया चली, जिसके मातहत हम गरीबों तक जो है हर क्षेत्र में एक एक दिन करके पूरे क्षेत्र में जो है गरीबों में खाना बांटने का काम कर रहे हैं और उनके तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी हमारा गरीब मजदूर भूखे प्यासा न रह पाए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण के आदेश पर हम लोग ये साझे रसोईया के तहत हम लोग खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी पहुंचाने का काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।